नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है मेंस के लिए, उसका आज मई का जो करंट अफेयर है उसका पार्ट 2 है। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि डेली मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि आपको डेली एक दो तीन सवाल मैं डेली कराता रहूँगा। जो कम्युनिटी टैब यहाँ पे आप दिख रहे हो, यहाँ पे जाके आप वोटिंग कर सकते हो, और जो कुछ भी करंट अफेयर का टच हमें डेली होना चाहिए वो टच पाने के लिए मैंने आपको ये जो सीरीज है वो चालू की है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इसमें जाके वोटिंग कीजिएगा। जो पहली न्यूज़ सीरीज तो देखते हैं कि एडिशनल डैश डैश वुड बी अवेलेबल टू भूटान अंडर स्टैंड बाय स्वैप एग्रीमेंट टू मीट अ फॉरन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट। क्या होता है दोस्तों कि किसी देश के पास फॉरन एक्सचेंज बहुत कम होता है, तो इसीलिए दूसरा जो देश होता है उसको मदद करता है। तो इंडिया ने क्या किया है, $100 मिलियन दिया है भूटान को, क्योंकि उनकी फॉरन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इसका सही जवाब है $100 मिलियन। इसके बाद दोस्तों, इन रिसेंट विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस लॉन्च बाय मिस्टर मोदी इन भूटान, भूटान में कौन सा सर्विस लॉन्च किया। इसके बाद दोस्तों, ये जो सवाल बनाने के में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हुई, तो ऑप्शंस मैंने तो BSNL बना दिया, भीम ऐप बना दिया। ये भूटानी सैटेलाइट जो था ना, ये कि लास्ट अभी अभी नेपाली वन सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, श्रीलंका ने रावण वन लॉन्च किया है, तो इन और चाइना ने टियांगलोंग 2। तो इनके साथ साथ मैंने जानबूझ के डाल दिया कि भूटानी वन सैटेलाइट के बहुत बच्चे फंस सकते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एटमोस्ट 45% बच्चे यहाँ पे गलत साबित हुए। तो यहाँ पे ऐसे सवाल आपको ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। मैत्री भी एक आपके लिए थोड़ा मतलब मैंने ऐसे फ्रेम किया था, एक्चुअली इसका आंसर मैत्री नहीं, इसका एक्चुअल आंसर रुपए है। जो हमारे जो रुपए कार्ड्स होता है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया है रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, उसको वहाँ पे लॉन्च किया गया है। सो दोस्तों, अब स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स इन द मंथ ऑफ मई पार्ट 2। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले देखेंगे कि यूके पार्लियामेंट सबसे पहले पार्लियामेंट बन चुकी है जिसने लॉ पास किया है, किसके रिगार्डिंग, क्लाइमेट इमरजेंसी के रिगार्डिंग, और उसको डिक्लेयर किया है कि क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है। इसके बाद आशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया $5 बिलियन का एक्शन प्लान। आपको ये अमाउंट ध्यान में रखना है, और किसने किया है, आशियन डेवलपमेंट बैंक ने, किस लिए, हेल्थ ओशियन एंड सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमिक्स फॉर द एशियन पैसिफिक रीजन। इसके दोस्तों, इंडिया विल अटेंडिंग ग्रुप 7 इंडस्ट्रियल नेशंस मीट ऑर्गेनाइज बाय फ्रांस इन बैरिज, बैरिज में होने वाला है। किसका, ग्रुप 7 इंडस्ट्रियल नेशंस मीट कौन कहाँ पे होने वाला है, बैरिज इन फ्रांस। दोस्तों, इसके बाद USA ने एक नया लेजर सिस्टम टेस्ट किया है जिसका फुल फॉर्म आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, तो आपको फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ प्रोटेक्टेड हायर एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेटर। तो शील्ड का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, और आपको ये पूछा जा सकता है कि ये शील्ड लेजर सिस्टम किसने टेस्ट किया है, तो वो USA ने किया। इसके बाद सिंगापुर पार्लियामेंट्स पास अ लॉ टू कर्ब स्प्रेड ऑफ अ फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ के कर्व करने के लिए सिंगापुर पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट कैरियर कॉन्टास ऑपरेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट 0 वास्ट कमर्शियल फ्लाइट सिस्टम फ्रॉम सिडनी टू एडिलेड। ये दो सिटीज आपको पार्ट होनी चाहिए, और कॉन्टास जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की स्पॉन्सर भी है, तो आपको ये दोनों पार्ट ध्यान में रखना चाहिए कि कॉन्टास कंपनी पूछी जा सकती है कौन सी कॉन्टास है और कौन सी सिटीज़ के दौरान वो कमर्शियल फ्लाइट 0 वास्ट कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट हुई है, वो सिडनी टू एडिलेड क्या करने वाली, और डिस्पोज ऑफ ऑल द वॉश थ्रू कंपोज रीयूज एंड रिसाइकल। मतलब जो भी कुछ वास्ट होगा उसको कंपोस्ट किया जाएगा, उसका रीयूज भी किया जाएगा, और उसको रिसाइकल भी किया होगा, मतलब कुछ वास्ट बचेगा ही नहीं। इसके बाद दोस्तों, ब्रिटेन के पटोपट मतलब पीछे पीछे आयरलैंड डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी इन देयर कंट्री, मतलब ये सेकंड कंट्री बन चुकी है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया। इसके बाद जापान स्टार्टेड टेस्टिंग फास्टेस्ट एवर बुलेट ट्रेन कैपेबल ऑफ 400 किलोमीटर्स पर आवर। 400 किलोमीटर्स पर आवर की जो ट्रेन है उसका नाम क्या है, शिंका सेना, और ये Alpha X वर्जन। आपको सिर्फ ट्रेन का नाम ध्यान में रखना है, और जापान किसने किया है, जापान, और उसका स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रोल आउट मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम। जो कुछ भी इमिग्रेंट्स होते हैं दोस्तों, जो कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, कौन से भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, कौन से भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए जो कुछ इमिग्रेशन होता है उनके लिए एक मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रोल आउट किया है। तो ताइवान अप्रूव अ बिल ऑफ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज उन्होंने अप्रूव किया है। दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज में क्या क्या होता है दोस्तों, LGBTQ, ये आप ध्यान में रखिएगा, आपको इसमें से कौन सा भी पूछा जा सकता है, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, किंडसिमल, ये चार वहाँ पे होते हैं। इसके बाद दोस्तों, द वर्ल्ड बैंक कमर्श वर्ल्ड बैंक एंड द कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव टीम अप टू वर्ल्ड एनेबल रिकॉर्डिंग ऑफ सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड ट्रेडिंग यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आपको ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के साथ कौन सी बैंक है, तो यहाँ पे SBI वगैरह, HDFC नाम भी दिए जा सकते हैं, कॉमनवेल्थ बैंक आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज़ के तरफ हम गौर करेंगे। सबसे पहले कि WHO ने अभी अभी हाल ही में अल्गेरिया एंड अर्जेंटीना को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया, तो आपको ये दोनों कंट्रीज ध्यान में रखनी है विथ इनकी करेंसीज एंड कैपिटल्स। इसके बाद सिरिल रेमिफोसा
जो अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इनके ऊपर सवाल ऑलरेडी सेंट्रल वेयर हाउस में आ चुका है। रशिया लॉन्च न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर, आपको ये पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर किसने लॉन्च किया है, तो वो रशिया ने लॉन्च किया है। इसके बाद दोस्तों स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, इनके ऊपर भी दो तीन सवाल पहली बार दो तीन बार इनको ऊपर सवाल आ चुका है, तो आपको ये पूछने के चांसेस भी ज़्यादा है। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद जेम्स मरापे इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया, ये कंट्री कहाँ पे है दोस्तों? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के सदर्न रीजन में ही है। इसके बाद इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट मोरसबे, और इसकी करेंसी क्या है? पपुआ न्यू गिनिया कीना। कीना आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पपुआ न्यू गिनिया आपको वहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, इतना नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यही दिया जाएगा कीना। इसके बाद दोस्तों मुंबई बुहारी सॉरी मोहम्मद मोहम्मद बुहारी स्वर्न इन एज अ सेकंड टर्म एज नाइजीरियाज प्रेसिडेंट, तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मोहम्मद बुहारी। और जेम्स मरापे पपुआ न्यू गिनिया। इसके बाद कैपिटल क्या है मोहम्मद बुहारी ने नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा, और उनकी करेंसी क्या है? नायरा। नायरा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस टैरिफ्स ऑन ऑल गुड्स कमिंग फ्रॉम मेक्सिको टू बिड कर्व इलीगल इमिग्रेशन, जो कुछ भी गुड्स मेक्सिको से आएंगे उनके वो टैरिफ लगाएंगे, मतलब कुछ टैक्स लगाएंगे, टैरिफ को टैक्स ही रहता है। कौन कर लगाने वाला है? यूएसए। इसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें सुरेश दिलीप कुमार जी है उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है लोकपाल को, तो आपको ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार संगकारा जो श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर है उनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब का नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके बाद दोस्तों BSE अपॉइंटेड फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर, तो जयश्री वैस, आपको ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूछी जा सकती है 99%। भूषण पाटिल प्रेसिडेंट्स एट द पेटीएम क्विट्स द कंपनी, ये भी कई इंपॉर्टेंट नहीं, चलो एक बार तो हमारा नाम आ गया। इसके बाद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हायर्ड संजय उबाले एज इट्स पॉलिसी डायरेक्टर फॉर इंडिया, बिल एंड गेट्स के पॉलिसी डायरेक्टर कौन है भी? संजय उबाले जी। इसके बाद मिंत्रा जो ब्रांड जो क्लोथिंग ब्रांड है उन्होंने जो सेलिब्रिटी कपल है विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, इनको अपना फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंटेड सर्बियन ड्रैगन मिहेलोविक कोच ऑफ द मेंस नेशनल टीम, मेंस नेशनल की टीम में ड्रैगन नाम का कोच आया है। इसके बाद जगजीत पवाड़िया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टू अ 5 ईयर टर्म ऑन इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जगजीत पवाड़िया जी है कि रिएलेक्टेड कहाँ पे हुए? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड किसने किया है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने किया है। इसके बाद एक्ट्रेस दिया मिर्जा एंड अलीबाबा चीफ जो जैक मा जी है वो वर्ल्ड के 17 ग्लोबल फिगरों में से एक है जिनको हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करने के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। इसके बाद अनदर अपॉइंटमेंट से दोस्तों कि तिज्जनी मोहम्मद बंदे अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक बंदा अपॉइंट किया गया है किसके लिए? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए। LIC म्यूचुअल फंड ने दिनेश पंगते को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। किसने? LIC म्यूचुअल फंड। आपको पता है कि LIC ने रिसेंटली चेयरमैन को भी अपॉइंट किया है जिनका नाम है MR कुमार, और अच्छी CEO का भी अपॉइंट किया है, वो CEO का नाम आपको ढूंढना है जिसको हमने लास्ट करंट अफेयर में पढ़ा था। भारत पे ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया। इसके बाद RBI ने R गांधी जो हमारे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है उनको एस बैंक के एडिशनल डायरेक्टर बन करके चुना गया है, उनको एस बैंक का एडिशनल डायरेक्टर चुना गया है। इसके बाद मेजर जनरल जो AK धिंगरा जी है ये बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनको फर्स्ट हेड ऑफ कंट्रीज फर्स्ट ट्राई सर्विस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन कंप्राइजिंग कमांडर ऑफ फुल ऑल थ्री सर्विस, मतलब तीनों सर्विसेज के जो कमांडो होंगे उनके वो हेड होंगे AK धिंगरा जी। इसके बाद ITC मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड MD ऑफ ITC। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने नितिन चुग जी को उनका नेक्स्ट MD एंड CEO अपॉइंट किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु वी कैन से दैट। इंडोनेशिया जोको विडोडो जो बहुत फेमस प्रेसिडेंट है वो फिर से प्रेसिडेंट बने हैं उसी कंट्री के। इसके बाद एज अ जज ऑफ अपेक्स कोर्ट के जज 4 जज सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी अपॉइंट किए हैं, उनके नाम आपको पूछे जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द अपेक्स कोर्ट, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये चार दिए हैं और एक कौन सा भी नाम दे देंगे। इसमें आपको अनिरुद्ध बोस, AS बोपन्ना, जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस सूर्यकांत, ये चारों नाम आपको ध्यान में रखना है। वोलोदाइमर जेलेंस्काय टुक द ओथ एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन
यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने हैं। यूक्रेन की मैंने ऑलरेडी बताई है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यू, इसका स्पेलिंग ज़रा देख लेना। और इसकी हार्विनिया हार्निया मैंने ध्यान में रखने को आपको बोला था कि इसकी करेंसी है। इसके यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटनी गुटेरस अपॉइंटेड इंडियन आर्मी ऑफिशियल लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर। शैलेश तिनेकर किसको? न्यू फोर्स कमांडेंट इन द यूएन नेशन मिशन इन द साउथ सूडान। साउथ सूडान में जो यूनाइटेड नेशन का जो मिशन चल रहा है उसके न्यू फोर्स कमांडर शैलेश तिनेकर को चुना गया है, जो इंडियन आर्मी ऑफिसर के लेफ्टिनेंट जनरल है। फॉर्मर मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद को उनके ही देश ने उनको पार्लियामेंट्री स्पीकर करके अपॉइंट किया है। तो ये बहुत बड़े फेमस पर्सनैलिटी, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है। वॉलमार्ट अपॉइंटेड सुरेश कुमार एज अ चीफ टेक्निकल ऑफिसर एंड चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। किसने वॉलमार्ट का हक किया? यूएसए की है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड द टेनर ऑफ जस्टिस वी के जैन के टेनर उन्होंने एक्सटेंड किया है। कौन थे वो? जुडिशियल मेंबर ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के वो मेंबर थे, तो उनको अपॉइंटमेंट में बढ़ती दी गई। इसके बाद कुछ नेशनल न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। इंडिया वॉज रिलेक्टेड एज अ ऑब्जर्वर इन द आर्टिक काउंसिल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग कहाँ पे हुई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इन कहाँ पे रिलेक्ट किया गया है? ऑब्जर्वर इन द आर्टिक काउंसिल। इसके बाद इंडिया यूनानिमसली चोजन एज अ को चेयर इन द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ द ग्लोबल फैसिलिटीज फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी। किसके लिए? फिस्कल ईयर 2020 के लिए को चेयर इंडिया को अपॉइंट किया गया है। यूनानिमसली मंजे किसी ने अपोज नहीं किया है। इन लोकसभा 2019 इलेक्शन विटनेस वोटर टर्न अराउंड 67.10%। ये बहुत बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा वोटिंग हुआ है दोस्तों। हमेशा आप देखते हो जब भी वोटिंग बहुत बढ़ता है या डिक्रीज होता है, तो बढ़ता है या डिक्रीज होता है, तो तभी एक तो यही पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों, एक तो बंदा बहुत मार्जिन से जीत के आता है, नहीं तो एक बंदा बहुत मार्जिन से हार के आता है। क्योंकि कभी कभी वोटिंग ज़्यादा होती है तो उसको यही बताया जाता है कि वो अगेंस्ट में हुई है या उसके साथ में हुई है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि ये साथ में ही हुआ है। आप बोलोगे कि ऐसा पॉसिबिलिटी हम कह नहीं सकते कि ये अगेंस्ट में ही हो सकता है, क्योंकि बराबर, क्योंकि क्या है, यदि अगेंस्ट में नहीं होता है तो इसकी मार्जिन बहुत आता है, मतलब ज़्यादा परसेंटेज लोग अगेंस्ट में करते हैं तभी ये अगेंस्ट आता है, और ज़्यादा साथ में करते हैं तो साथ में, इसलिए मैंने ये बताया। क्योंकि ये पॉलिटिकल इसमें ये बहुत तरह जगहों पर भी माना जाता है ऐसा पॉलिटिकल थेरीज में। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड हैबिटेट असेंबली अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इंडिया को इलेक्ट किया गया है, क्या है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे, किसके? यूनियन हैबिटेट असेंबली में। इसके लीडर्स ऑफ द बीमस्टेक, बीमस्टेक का फुल फॉर्म आपको कभी भी जिंदगी में भूलना नहीं जब तक आप पढ़ाई करते हो। बीमस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एजुकेशन कॉपरेशन। इसको सवाल भी पूछा गया है इस पे। इन्होंने, इनके जो लीडर्स है दोस्तों बिम्स्टेक कंट्रीज के, इन्होंने पीएम मोदी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में हिस्सा लिया है। इसका दोस्तों रिकॉर्ड 78 वुमन कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड इन लोकसभा रिसेंटली। इस साल की लोकसभा में 78 कैंडिडेट्स, वुमन कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया, मतलब वो जीत किया ये। देखो ये दोस्तों धीरे धीरे वुमन्स का रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, मतलब हर सेक्टर में वो आगे जा रही है, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात भी है जो #इक्वेलिटी को सार्थक बनाती है। लेकिन ये 78 बहुत कम आंकड़ा है, इसको हमसे एटलीस्ट 150% तक भी होना चाहिए। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स कौन सी हुई? इसमें देखेंगे कि मीटिंग ऑफ एशिया कोऑपरेशन डायलॉग वाज हेल्ड इन डोहार, दोहा इन कतार, नॉट डोहार। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि उसकी थीम है क्या, है पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। इसके बहुत चांसेस कम है, सिर्फ आपको प्लेस के ही पूछने के चांसेस ज़्यादा है। G7 की जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स की जो मीट होनी है वो होने वाली है मेट्स इन फ्रांस में। किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे वो? हैंडलिंग डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, डिप्लेशन ऑफ कोरल रिफ्स एंड वे टू बिल्ड द पैक्ट बिटवीन कंट्रीज इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। इसके बाद दोस्तों इप्सा, आपको इप्सा का फुल फॉर्म डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। इप्सा इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका जो शेरपाज मीटिंग होती है दोस्तों, वो कहाँ पे हेल्ड हुई? कोची इन इंडिया, केरला में। तो शेरपा कौन होते हैं आपको पता है? जो कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, उनको शेरपा अपॉइंट किया जाता है, हर कंट्री अपॉइंट करती है। तो हमारी तरफ से ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी है, उनको शेरपा अपॉइंट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने चिंतन बैठक नाम का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें स्टेक होल्डर जो थे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। किसने चेयर किया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्रेटरी है वो। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि चिंतन बैठक किसने ऑर्गेनाइज किया, तो इसमें मिनिस्ट्रीज पूछी जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट कस्टम्स, इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स टुडे मीटिंग हुई उनकी, रीजनल हेड्स ऑफ कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, कहाँ पे हुए? कोची में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये है कि चेयरमैन कौन है सीबीआईसी के? प्रणब कुमार दास जी है जो उनके चेयरमैन है।
WTO मिनिस्टर मीटिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज जो हुई है 16 कंट्रीज की, वो इंडिया होस्ट करने वाला है और वो न्यू दिल्ली में होने वाली है। WTO की मिनिस्टर मीटिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज की, क्या सुषमा स्वराज जो फॉर्मरी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीट हुई है अभी अभी बिश्केक किर्गिस्तान रिपब्लिक में, उनकी किर्गिस्तान में बिश्केक उनकी वहाँ पे हुई है। बिश्केक नाम का प्लेस जो शायद उनकी कैपिटल भी है किर्गिस्तान की, और उनकी करेंसी कैंसी सोम। दोस्तों ये बहुत बड़ी लीडर थे, जैसा लीडर हमारे जो हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट थी, और ऐसे लीडर्स की वजह से हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेजेंस था वो बहुत बहुत नाम हमारा बड़ा था, जिनका जो सॉफ्टनेस था बोलने में, जिनका जो नेचर था, जिनकी जो पर्सनैलिटी थी, उन्हीं की वजह से हमारा जो इंटरनेशनल लेवल का जो इंटरनेशनल जिसको हम कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन, वो बहुत स्ट्रांग हुए थे, और ये हमारे बहुत बड़ा एसेट लॉस है और हम ये डेफिनेटली मिस करते रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस रिलेटेड जो कुछ भी करंट अफेयर्स है, इसमें जो वरुणा एक्सरसाइज होती है दोस्तों इंडियन फ्रांस में होती है, तो उसका जो पहला पार्ट हुआ है वो गोवा कोस्ट में, और सेकेंड पार्ट डिजीबोटी में हुआ है। दोस्तों डिजीबोटी नाम की एक कंट्री है जो अफ्रीका कंट्री अफ्रीका में है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसकी कैपिटल करेंसी कौन सी और ये लोकेटेड कहाँ पे। मैं आपको सिर्फ एक ए हिंट देता हूँ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम का एक रीजन है जहाँ पे तीन या चार कंट्री लोकेटेड है, और तीन या चार कंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। वो कंट्री कौन सी कंट्रीज है वो भी आप देख लीजिएगा। कमो नाम का जो एयरबोन वार्निंग कंट्रोल हेलीकॉप्टर है जिसको इंडियन नेवी ने अभी भी परचेस किया, किससे, यूएसए से। इसके बाद दोस्तों INS रंजीत अभी भी डी कमीशन हुई है, जिसको हमने USSR से लिया था। आपको ये पूछा जा सकता है कि डी कमीशन कौन सी हुई, तो INS रंजीत है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ इंडियन नेवी स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 हर हमारे हर बंदे को पता होना चाहिए, इंडियन को भी पता होना चाहिए। इसमें INS वेला जो है वो फोर्थ इंडियन नेवी स्टेल स्कॉर्पियन बन गई है, जिसको कान्होजी आंग्रे वेस्ट बेसिन इन माजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये कान्होजी आंग्रे जो थे वो शिवाजी महाराज के टाइम में जो मिनिस्टर थे वो पूरा नेवी संभालते थे, उन्होंने ही RMR नाम का कंसेप्ट जागरूक किया था, RMR को बहुत बढ़ावा दिया था, और उनका नाम बहुत इतना फेमस था कि अंग्रेज़ वगैरह जो कुछ भी फॉरेनर्स थे वो उनसे बहुत डरते थे। कभी भी जो उनसे वो जो तट रहता था, तटरक्षक दल के थे ना, वो उनके नाम से बहुत अच्छा जाना जाता था, इसलिए उनका ही नाम इस माजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के जो बेसिन है उसको दिया गया है। इंडियन आर्मी इज़ कमेमोरेटिंग दिस ईयर एज ईयर ऑफ नेक्स्ट किन, ये इसीलिए दोस्तों कि जो कुछ भी कैजुअलिटीज़ हुई है बैटल में, जो कुछ भी एक सर्विसमैन होते हैं, जो कुछ भी सर्विंग सोल्जर्स होते हैं, उनके घर में जाके उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स के रिगार्डिंग, वेलफेयर स्कीम्स के रिगार्डिंग, और जो कुछ भी इश्यूज़ है पेंशन रिलेटेड, उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में उनको अवेयर करने के लिए इंडियन आर्मी ने ईयर ऑफ नेक्स्ट किन नेक्स्ट ऑफ किन ये प्लान बनाया है। अपाचे नाम का एक हेलीकॉप्टर दोस्तों फॉर्मली हैंडेड ओवर टू इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम USA। सो कमो एंड अपाचे दोनों हेलीकॉप्टर्स है जिसको हमने USA से लिया है। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट अभ्यास, एक अभ्यास टेस्ट किया इंडिया ने, जिसमें हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट फ्रॉम टेस्ट रेंज इन ओडिशा। तो आपको ये हिट का फुल फॉर्म भूलना नहीं है, और किसने लॉन्च किया, इंडिया ने, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे USA चाइना रशिया ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे। इसके बाद इंडियन नेवी फर्स्ट फुल फ्लेज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये सवाल ऑलरेडी सेंट्रल वेयरहाउस में या नाबार्ड में कहीं तो भी आ गया है, जो फर्स्ट फ्लेज फुल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लॉन्च किया है वो कहाँ पे, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसके दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड शिप INS विग्रह नाम डिकमीशन हुई है, और दो न्यू INS भी कमीशन हुई, इसके भी नाम्स आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट। इसके बाद सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो होता है वो साउथ चाइना सी में स्टार्ट हुआ है। इसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत फर्स्ट वुमन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स टू क्वालिफाई द अंडरटेकन मिशन बाय द डे ऑन अ लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट वुमन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू क्वालिफाई टू अंडरटेक अ मिशन बाय डे ऑन अ फाइटर एयरक्राफ्ट। DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड फायर एंड न्यू वर्जन ऑफ आकाश सर्फेस एयर टू डिफेंस मिसाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है दोस्तों, इसके साथ साथ आकाश मतलब ये सरफेस टू एयर आप ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पे आकाश मतलब क्या होता है, क्लाउड्स वगैरह जहाँ पे होते हैं, और ये जमीन होती है हमारी, अर्थ होता है, तो सरफेस टू एयर मतलब ये सरफेस से ऊपर स्ट्राइक करता है, इसीलिए इसको सरफेस टू एयर आकाश में जाने वाला रहता है, इसलिए इसको आकाश नाम दिया गया है। पृथ्वी नाम का भी एक है जो पृथ्वी से ही मतलब अर्थ से ही उसको टारगेट कर जाता है, सरफेस टू एयर एंड सरफेस टू सरफेस दोनों जगह पे होता है। और अग्नि नाम का भी एक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल से इसके बारे में पढ़ने को मिले, तो टॉप 7 to 8 8 मिसाइल से जिसमें नाग भी आता है और बहुत सारे नाम से मैं भूल गया हूँ,
आप पढ़ लीजिएगा यदि आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके दोस्तों स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर यदि हम देखेंगे तो जयपुर 8th एशियन यूथ वुमन हैंडबॉल चैंपियनशिप होस्ट करने वाला है। इसके बाद स्पेन का जो स्पेन और बार्सिलोना के जो फुटबॉल प्लेयर थे जेवी, वो उन्होंने अभी अभी हाल ही में रिटायरमेंट घोषित किए। इंडिया के जो स्क्वाश प्लेयर है सौरव घोषाल और जोशना चिन्नप्पा, इन्होंने स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल जीता है जो कौलालंपुर में हुआ था मलेशिया में। सौरव घोषाल एंड जोशना चिन्नप्पा। अमूल जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का अभी अभी वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर बने ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों अमूल के रिगार्डिंग आपको सभी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का, जिसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। इसका 1970 में जब व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था तब इसका जन्म हुआ था। इसका आई थिंक गुजरात में ही वडोदरा के पास इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको ये बहुत बड़ा अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुंबई इंडियंस 4 टाइम आईपीएल जीती है, तो इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला है, डेविड वार्नर को, और पर्पल कैप इमरान तहीन को। इगोर स्टीमैक अपॉइंटेड एज इंडियाज मेन टीम कोच फॉर द ऑल इंडिया फुटबॉल। फुटबॉल के मेन टीम जो मेन्स टीम है उनकी कोच कौन है, इगोर स्टीमैक। साना मीर जो है पाकिस्तान की है मोस्ट सक्सेसफुल इमन ओडीआई स्पिनर है, जिन्होंने 147 विकेट लिए है। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली ओडीआई में साना मीर जी है, तो उनका कंट्री आपको ध्यान में रखना है पाकिस्तान। इंडिया के जो जी एस लक्ष्मी बिकम फर्स्ट ईयर वुमन टू बी अपॉइंटेड एज आईसीसी पैनल ऑफ मैच रेफरी। तो सबसे ज्यादा सबसे पहले एक वुमन अपॉइंट की गई इंडिया की जी एस लक्ष्मी जी, जो आईसीसी इंटरनेशनल पैनल के रेफरी पैनल में होंगे और वो वहाँ पे रेफरी भी करेंगे अभी विथ इमीजिएट इफेक्ट। क्या दोस्तों बिसाइड द ट्रॉफी द वर्ल्ड कप विनर जो होंगे उनको कितने मिलने वाला है, $4 मिलियन, मतलब नियर अबाउट 28 करोड़। इसके बाद सेकंड इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट स्टार्टेड इन गुवाहाटी। कहाँ पे, गुवाहाटी। इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100% पूछा जा सकता है। इसके बाद वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग बैडमिंटन BFA लॉन्च 2 न्यू फॉर्मेट्स, एयर बैडमिंटन एंड ट्रिपल्स। तो आपको ये पूछा जा सकता है कौन से 2 फॉर्मेट लॉन्च किए हैं, तो उसमें से एयर बैडमिंटन एक है और ट्रिपल्स एक है। चाइना वन अ बैडमिंटन वर्ल्ड मिक्स टीम चैंपियनशिप सुधीराम कप, जिसको सुधीराम कप भी कहते हैं। कहाँ पे हुआ है, चाइना में ही हुआ है, नैनिंग में। तो आपको यही पूछा जाता है किसने जीता है, तो ये चाइना ने ही जीता है। द ICC लॉन्च अ क्रियो कैंपेन ऑन द इवनिंग ऑफ मेन्स वर्ल्ड कप। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि क्रियो कैंपेन किसने लॉन्च किया, तो वो ICC है, और बहुत सारे देंगे फीफा IBFA बहुत सारे देंगे, नहीं तो ये पूछेंगे कि ICC ने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया, तो क्रियो अगर 2-3 नाम बना के लेंगे ऑप्शन। सो, आज के करंट अफेयर में इतना ही दोस्तों। शाम को एक रात को 8-10 बजे तक एक वीडियो आ जाएगा मई का फाइनल पार्ट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड गुड बाय।